ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है कि नहीं है? सब स्टेशन पर लिखा रहता है कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या एक राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचेगी? क्या एक राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति बीएसएनएल को बेचेगी? क्या एक राष्ट्रवादी सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बेचेगी? एक राष्ट्रवादी सरकार भारत पेट्रोलियम को बेचेगी? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को आप अपने दोस्तों के हाथों में औने पौने दाम में बेचा जा रहा है? मैं कहता हूं कि यह जो बिकने के नाम पर राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट हो रही है, इसके ऊपर सवाल खड़ा करना राष्ट्रवाद है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। मोदी मोदी करना राष्ट्रवाद नहीं है। ये बात क्यों बोला जाता है? ये बात इसलिए बोला जाता है कि आप असली सवाल को छोड़ करके किसी और सवाल पर बहस करना शुरू कर दें। जैसे महाराष्ट्र में क्या बोला गया कि बिहारी सब आकर के नौकरी ले लेता है, इसीलिए मराठियों को नौकरी नहीं मिलती है। तो बिहारी सब अगर मराठा में जाकर के नौकरी ले लेता है महाराष्ट्र में, तो मराठियों को नौकरी नहीं मिलती है। तो एक बार आंकड़ा निकाल करके देखें इनकी देश में कितना रोजगार पैदा हो रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा यह बताता है कि देश 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। आज की तारीख में 45 साल में सबसे ज्यादा बेकारी है। कल के अखबार में आया है कि 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। हर दिन देश की आर्थिक नीति के चलते लोगों को अपने रोजगार से हाथ गंवाना पड़ रहा है। आप हमें एक उदाहरण बता दीजिए। 8वां पास कर रहे हैं लोग, हायर सेकेंडरी पहुंचे पहुंचे लोग को नौकरी मिल जाए रहे, मिले रहे नहीं मिले रहे। ओकर बाद होले कि ना बीए पास कर होता अब नौकरी मिलता, तो लोग बीए पास करा लगले। कल के नहीं बीए पास कैला थोड़ी नौकरी मिलता, कोनो टेक्निकल हैंड होइक चाहिए, तो आईटीआई कैला तब नौकरी मिल जाता। ओकर बाद आईटीआई कैला के बाद नौकरी नहीं मिले लगले, कल के पॉलिटेक्निक पास कर हो तो पक्का नौकरी मिल जाता, तो लोग पॉलिटेक्निक पढ़ा लगले। पॉलिटेक्निक करला के बाद भी जब नहीं नौकरी मिले लगल है, लोग कहे बीटेक बड़ा अच्छा मार्केट है। जितना घर के जमा पूंजी छो उ सब जमा पूंजी निकाल के बेटा दे दो, ट्रेन चढ़ा दो, पूना जेतो, ग्वालियर जेतो, जस बीटेक इंजीनियर बन जेतो। धनगव करे छे बीटेक इंजीनियर सब, बीटेक करके घूम नहीं रहले हैं। आज बीटेक करला के बाद भी नौकरी नहीं मिले छे, आ बीटेक करला के बाद की कहलके एमबीए क्या लेबन तब पक्का नौकरी मिल जेतो। हमर दोस्त जवराती एमबीए भी कहने छे तैयो ओकरा नौकरी नहीं मिल रहल छे। असल समस्या कहां है? असल समस्या वहां है कि आप देश में एक ऐसी आर्थिक नीति लेकर के आए हैं जिससे कमाने वाला मर रहा है और लूटने वाला ताकतवर होते जा रहा है। फसल अगर महंगा हो गया है, सौदा अगर महंगा बिक रहा है, तो किसान सबके घर में मर्सिडीज हो जाना चाहिए ना। आंकड़ा तो कुछ और बताता है। आंकड़ा बताता है कि इस देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई? प्याज हम 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है अदानी के खाता में। और जो अदानी के खाता में पैसा जाता है, उसी अदानी के पैसा से टीवी चैनल को खरीद लिया जाता है, और टीवी चैनल को खरीद करके दिन रात हिंदू मुसलमान किया जाता है, और दिन रात हिंदू मुसलमान के इस बहस में इस देश के जवानों और किसानों के सवाल को गुमराह कर दिया जाता है। आप प्याज खरीद रहे हैं 200 रुपए किलो, और किसान को इतना प्याज का दाम नहीं मिल रहा था कि प्याज उखाड़ करके वो मंडी तक प्याज को ला सके। ये जो आर्थिक नीति है, इस आर्थिक नीति ने इस देश के भीतर हजारों करोड़ों बेरोजगारों को पैदा किया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सरकार आकर के ऐसा कर दी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई है तो ये आर्थिक नीति इस तरीके से चलने लगी। बीजेपी की पहले के सरकारों ने भी ये किया है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ईमानदारी से कोई बात मानने में कोई बुराई नहीं है। इसी स्कूल के फील्ड में जब हम लोग भाषण सुनने के लिए आते थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तो 30-40 साल से फांसीवाद बोल रहे हैं। आज थोड़ी फांसीवाद बोलना है शुरू करके कि पुरनका लोग सब बताए देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के भाषण कखनो कखनो फांसीवाद चली आवे है। ये फांसीवाद है क्या? हम लोग बच्चा में आते थे भाषण सुनने के लिए,
तो जब बोलते थे नेता लोग फांसीवाद का हमला हो रहा है, तो हम लोगों को लगता था फांसीवाद मतलब फांसीवाद। जनता सबके जे सिस्टम जनता फांसी पर चढ़ा दिया वह हो गए फांसीवाद। आज जनता फांसी पर चढ़ने को विवश है। आज सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, अभी कल का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि बेरोजगारों ने आत्महत्या के मामले में किसानों को पीछे छोड़ दिया है। आत्महत्या नहीं करते बेरोजगार, सोचो बीटेक इंजीनियरिंग हम पूना से क्या के लिए हैं, कितना बड़का हमारा सपना रहे कि बीटेक करबै, बढ़िया जगह नौकरी मिलता है, बढ़िया फोटो देख सुंदर लड़की से ब्याह करबै, कार खरीदबै, घर बनेबै, एहन सपना लोग रखे छे। यहाँ बीटेक करके घर चले गए हैं, काम मिल नहीं रहा है, कत्ते देर ताश खेलते हैं, कखनो जाए छे घर खाए ला बमैया खाना शुरू कर दे छे, कमाए धमाए छे सेखी तोरा बड़का गो छ तना देते न बाबू भी ना जाए कहते बाबू 100 रुपया केस कटेबे, केसो कटवे आजकल 100 रुपया लगे छे। बाप कथिन जा कि नहीं जा चले ले जो काम धाम कुछ नहीं, इनका केस कटवे 100 रुपया दिए, तो कखनो माय के ताना सुनते, कखनो बाप के ताना सुनते है। प्रेम जे कलक कॉलेज में उ प्रेम अलग छूट गए, नौकरिये नहीं मिले दिया कहाँ से, प्रेम का अलग संकट छे, बरतुहार अलग होनाए बंद भ गए। की करे छो लड़का बीटेक छे कहाँ जॉब कल कहन खोज रहा हन, तो बरतुहार चल पड़े घूमे। ऐसे माहौल में बताइए हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो क्या होगा। जब देश की अर्थव्यवस्था फिसल रही हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करने के बाद देश की जीडीपी अगर 5% पे पहुंच गई हो, बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हो, किसान की आत्महत्या सबसे ज्यादा हो, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा हो, महिलाओं के ऊपर रोज बलात्कार हो रहे हो, तो कोई ना कोई तो दुश्मन चाहिए हो, कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। दुश्मन नहीं होगा तो गुस्सा किस पे निकालेंगे। तो हमरो गांव दो चार गो बुतरू ना कल कन्हैया देशद्रोही छे, कहे छे रे यरवा हमरा देशद्रोही कहनी है तोरा नौकरी नहीं मिले वाला छे, तोरा खाली गुस्सा बरतो हमरा देख कर, तोहर काम नहीं चले वाला छे, तो जे नेतवा के पीछा ने इनकलाब जिंदाबाद करनी गराक नस फुलाए फुलाए के, उ नेतवा के बेटा तो नेता हो जे तो यार, उ नेतवा के बेटा ठेकेदारी करा लग तो फटलाई जर में, आ तो पान पान खाए के ना दिरिए ने गुनिए ने नहीं चौक से चौक तोरा हमें कुछ मिले वाला छो यार। नेता क्या किया है इस देश के नौजवान के साथ, इस बात को समझिए। मोदी जी क्या बोले, मोदी जी बोले मैं तो फकीर आदमी हूं जी, झोला उठा करके चल दूंगा। उनका समर्थक सब भी यह कहल के कि मोदी जी केकराल चोरी थी, हमू एक मिनट खातिर सोचा लग ली हों केकराल चोरी थी, कनिये छोड़िए दलखिन हन बाल बच्चा छाए नहीं तो केकराल चोरी थी, आप पता चल रहे कि केकराल चोरी थी, अपन बेटा नहीं छे हो अमित शाह के बेटा छे न, गोल गाल एकदम घुपचुप नियर लगे छे देखे नहीं गोलगप्पा देखना एकदम घुपचुप नियर लगे छे देखे। देश के नौजवान के दादल के रोड हे नौजवानों रोड ले लो, देश की रक्षा करो ठीक ना। अपना बेटा दादल के बीसीसीआई, अमित शाह बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गया है, एक कॉलम लिखिएगा इस पे कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद पे सबसे ज्यादा भाषण भाजपा के नेता देते थे, अब भाजपा के नेताओं के बेटा सबको देखिए करियर कैसे सेट हो रहा है। क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी के बेटा अपन नेता अपन बेटा करियर सेट क्या लेलखिन, लेने देने को शत्रुघ्न बाबू के बेटा के नाम लेथुन, एगो चंद्रश्री बाबू के बेटा के नाम लेथुन ठीक ना, क्या रहते दू गो नौकरी आए हो, तो यह दू गो लोग मिलकर बेगूसराय के दल के सुन से भविष्य बर्बाद क्या कहो, तो कम्युनिस्ट पार्टी दल के फर्टिलाइजर बंद कराए बनब करे छी फर्टिलाइजर, क्या गो बिहट के लोग को नौकरी मिल रहा है, क्या गो जगतपुरा के लोग को नौकरी मिल रहा है, क्या गो रमदिरी के लोग मिला मधेपुर बिशनपुर कसहा बरियाही, क्या गो लोग को नौकरी मिल रहा है, झूठ बोले छ है। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर क्या दबो, उस कम्युनिस्ट पार्टी के नुकसान नहीं होते, उस समाज को नुकसान होता, उस देश को नुकसान होता, ये बात के जान लो, समाज और देश को नुकसान ही होता है ना।
कि पैसा वाला लोग के सामने नहीं बैठा सकबो, नहीं देतो बराबर के कुर्सी बैठा ले, अपने माल कमेतो रूपा छापत रहतो आ तोरा कहतो कि तू हिंदू मुसलमान कर, तो हिंदू मुसलमान करे मगन रहो, तोरा समझे नहीं तो देश में हो के रह गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीमा पे शहीद हो रहे जवान, खेत में मर रहे किसान, इसीलिए आपके टीवी पे होता है हिंदू और मुसलमान, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। आप जो है अपने पड़ोसी से नफरत करते रहिए, आप अपने गोतिया के बारे में सोचते रहिए कि दाए ला गोतिया जते गले उतबे बढ़िया, इससे आपके जीवन का समस्या का हल होने वाला नहीं है। जीवन के समस्या का हल तब होगा जब हम जनता के वाजिब सवालों के प्रश्न खड़ा करेंगे। वाजिब सवाल क्या है? वाजिब सवाल यह है कि जो सरकार चुन करके आई है, उस सरकार ने जो वादा किया है, हम थोड़ी बोले थे, प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, हर साल किसान इस देश के लोगों के खाते में उन्होंने 15 लाख रुपया पहुंचाने की बात की, उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, उन्होंने कहा कि महंगाई कम हो जाएगी, ये तो सरकार का वादा है ना। क्या इस पे सवाल खड़ा करना, इस सवाल को पूछना देशद्रोह है? इसी को देशद्रोह कहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश के किसानों के लिए, इस देश के जवानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, किस मजदूरों के लिए, इस देश के आम आवाम के लिए सवाल पूछना देशद्रोह है, तो हम देशद्रोही नहीं है गुरु, आप देशद्रोही हैं और इतिहास आपको देशद्रोही साबित करेगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा क्या आप चला रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं? कौन है हिंदू जरा हमको बताइए, तो कौन है हिंदू, किसको हिंदू कहते हैं? हिंदू उसको कहते हैं जो पत्थर को भी भगवान बना करके पूजने लगता है, हिंदू उसको कहते हैं जो नदी झरना पेड़ पौधा पहाड़ सबको भगवान बना करके पूजता है। और हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है कि हर इंसान के भीतर एक भगवान बसते हैं, तो हर इंसान के भीतर एक भगवान बसते हैं, तो तुम यदि किसी इंसान से नफरत करते हो, इसका मतलब यह है कि तुम भगवान से नफरत करते हो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, और धर्म और राजनीति का आपस में क्या संबंध है? धर्म और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम कैसे पूजा करेंगे, हम कैसे उपासना करेंगे, लोग कैसे मस्जिद जाएंगे, लोग कैसे नमाज अदा करेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत मसला है, इस आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस बात को इस देश के महान क्रांतिकारियों ने, महान नेताओं ने इस बात को समझा। अभी गांधी को कोट किया गया है, गांधी के बारे में कहा गया कि किसको कहते हैं? ईश्वर और अल्लाह, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ये कहते हैं ना। उसी गांधी के बारे में एक और भजन है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने दे। ये बिहट की धरती है, मिथिला की धरती है, हर साल यहाँ राम विवाह होता है, अपने गांव में राम जानकी मंदिर है, हैं? राम जी को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, वैष्णव हैं? राम मंत्र जो लेते हैं वो वैष्णव मंत्र लेते हैं, और शिव मंत्र जो लेते हैं वो शैवाइट होते हैं, उनको जो है मांस मीट खाना अलाउड होता है, लेकिन राम मंत्र जो लेते हैं उनको मांस मीट खाना अलाउड नहीं होता है। यही फर्क है वैष्णव होने में और शैवाइट होने में, यही फर्क है। तो राम अगर विष्णु के अवतार हैं, तो भजन जब ये कहते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने दे, वैष्णव जन वो है जो दूसरे का दुख तकलीफ समझते हैं, तो जो दूसरे का दुख तकलीफ समझते हैं वो राम का नाम लेकर के किसी का गर्दन काट सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, किसी को पत्थर मार सकते हैं? इसका मतलब कि ये लोग न सिर्फ इस देश की जनता के खिलाफ हैं, बल्कि इस देश की जनता जिस धर्म को मानती है उस धर्म की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ भी, इस बात को आप समझ लीजिए। इसी धर्म की परंपरा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का वह बात हमारे देश के संविधान और इसके कानून में है कि हम पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानते हैं,
पूरी दुनिया और पूरे विश्व को जब आप कुटुंब की तरह मानते हैं, तब आप ये क्यों कहते हैं कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को ही नागरिकता देंगे? जब पूरा विश्व आपके लिए परिवार है, तो कहिए कि पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को अगर भारत में शरण मांगेगा तो उसको हम शरण देंगे। ये भारतीय होने की परंपरा है। और क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान की तरह होते हैं, ये कहते हैं ना। तो कोई किसी संकट में इस देश में आया है तो आप जात पूछ करके उसको भगवान मानेंगे? कहते हैं ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाते हैं जब आप गंगा स्नान करने के लिए तो सिमरिया घाट की सीढ़ी पे भिखमंगा सब भीख मांगता है, जात पूछ करके दान देते हैं कि माई जी जात पूछ के दान नहीं दे छो, जात पूछ के दान दे छे। ये देश में दान की परंपरा है, जात पूछ करके आप दान देते हैं। आज हमारे समाज को जो पहले से ही जाति और धर्म में बटा हुआ था, उसको और ज्यादा जाति और धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। और यह सब कुछ तब किया जा रहा है जब एक हाथ से आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है और दूसरी तरफ आपको आपके ही देश के लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हमसे नफरत कीजिएगा, क्या मिलेगा? हमसे नफरत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा। हमसे नफरत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम आपसे मोदी जी के आपके प्यार करने के अधिकार को भी नहीं छीनना चाहते हैं। खूब भोरे सांझ आई लव यू मोदी जी बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, अरे आपका दिल